क्या ही वही है 2014 में जिन्होंने, वही है ना मेरे ख्याल, ये 15 लाख रुपए देने वही है ना, तो हाँ। पब्लिक कहेगी यार वही तो है यार, देख के था वही गारंटी है। अच्छा गारंटी, बुद्धि गारंटी, लोग मजाक कर रहे हैं। कल पर तुम्हें गया, आप एक बात सुनो, मान के चलो जो कंपनियां घाटे में थी उन्होंने भी करोड़ों रुपए के वो दे दिए, छाता के चंदे दे दिए। और एक सबसे बड़ी बात होती है, पब्लिक तो सोचती है भी 900 या कितने 100 करोड़ का चंदा होगा ये, और एक एक कंपनी ने मान के चलो 40 करोड़ दे दिया, आप 40 करोड़ तो गिन लिया, चलो यार 40 करोड़ है, हालांकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पर उसके में जो उसने वो काम किया ना वो पब्लिक के हित का नहीं, वो पब्लिक को मारा है सिस्टम से चले। इतनी औखे सिक्के से तो जद्दोजहद के अंदर आंदोलन के थ्रू हमारे को आजादी मिली थी, डेडी तो मंत्री बना दो कर ले, वो दो तीन है यानी कि वो अपने हरियाणा में कह रहे कि कुण में बैठ कर हुआ है। हां कुण में बैठ कर हुआ है। सभी को नमस्कार, मैं कुलदीप खंडेलवाल रवि सर हरियाणा। हमारे कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज सरदार हरचरण सिंह जी है, और सरदार हरचरण सिंह से जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रहे हैं उनका जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है, क्या कुछ खामियां रही हैं, तो जनता को लेकर के क्या कुछ यानी के जो मुद्दे होने चाहिए थे, जो देश के हित में कार्यक्रम या देश हित में योजनाएं होनी चाहिए थी हो पाई या फिर नहीं हो पाई। तो सरदार जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे विश्व प्रेम न्यूज में। थैंक यू, तो आपके न्यूज चैनल में देखते रहते हैं और बड़ा सक्सेसफुल चल रहे हैं, आपकी बधाई धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। तो सरदार जी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हमने 10 साल देखा और 10 साल के अंदर हमने चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है चाहे फिर आप अग्निवीर का मुद्दा लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हमने देखा जिसमें जनता से अहम जो चीजें निकल करके आई कि बेरोजगारी दिन दिन प्रतिदिन बढ़ी जिसके कारण से बच्चे विदेशों में जाने पे मजबूर हुए। दूसरी तरफ अग्निवीर की बात करें तो पहले आर्मी में बड़े बच्चे खुश होकर के जाते थे और गांव लेवल पर हम देखते थे कि बच्चे तैयारी मारते नजर आते थे, लेकिन अग्निवीर आने के बाद में बच्चों का युवाओं का कहीं ना कहीं हौसला डाउन नजर आ रहा है। तो तमाम बातों पर आप अपनी बात रखें। ऐसा है कुलदीप जी, ये जो जनता है ना पब्लिक है, ये एक शीशा है, ये बड़ा क्लियर है, हर चीज को जजमेंट करता है। 2014 से जिस टाइम मोदी जी आए थे, हाँ जी, वो उनके भाषण सुन लो इसमें सारे जवाब आ जाएगा, और आज के भाषण सुन लो, और 2014 के बाद इसने जो आज तक 9-10 साल के अंदर वो काम जो बोले थे पब्लिक ने जो लेकर आई थी, 31% उसने 32% लोग लेकर आए थे, वही सोचकर लेकर आए थे कि जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं इसमें अगर हमारा कुछ परसेंट भी 50% 60% काम हो गया तो भी देश को काफी तरक्की मिलेगी। बेरोजगारी का मसला था, भ्रष्टाचार की बात करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, अगर कांग्रेस के अंदर कुछ भ्रष्टाचार हुए होंगे या कांग्रेस ने गलत काम करा होगा, लंबे टाइम से उनसे बहुत गलत काम होगा, इसीलिए तो जनता ने इनको लेकर आई थी। बिल्कुल ठीक, अगर जनता लेकर आई तो जनता को फिर होप थी कि हमारे लिए कुछ ये करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 202 करोड़ एवरी ईयर और वो 100 स्मार्ट सिटी और पता नहीं क्या क्या चीज इन्होंने बोली। हाँ, जो 2014 के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, आज कुछ लाख पोस्टा वो भी दूसरी टाइप की होती हैं देने के लिए, प्रधानमंत्री पत्र देने के लिए चला हो जाता है, जो कि एक मिनिस्टर को भी देना वो नहीं समझता है क्या, लेटर तो अपॉइंटमेंट लेटर तो डाक में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हर चीज को उसने अपने अधीन कर लिया। ये जो भी इनको दिखता ना कि ये हमारा पैनल नहीं चलता, फिर ये पैनल कुछ ऐसा चैनल स्टार्ट करेंगे जैसे ये गोदी मीडिया नाम रखे, टीवी मीडिया सारा कुछ ही नहीं कहता है, लोग न्यूज देखनी बंद करके। अच्छा, पब्लिक के अंदर आपके सोशल मीडिया जो आप चल रही है कौन कितने लोग देखते हैं, ज्यादातर लोग तो टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर एक ही शक्ल और एक ही स्टोरी सारा दिन चलती रहेगी तो पब्लिक को फर्क पड़ता है, वो वोट में ही कन्वर्ट हो जाती है किसी तरीके से। तो जब इनका एक मुद्दा इनका चलता है तो ये कौन लोग ऐसी बीच में बात को क्रिएट कर लेते हैं तो उसी के ऊपर भी सारा मीडिया सारा सौदा लग जाता है, वो बात भी नहीं दब जाती है।
नहीं, आजकल सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप तो लोग पत्रकारों की काफी बढ़ी है। लोगों का जो देखने का वो टीवी की बजाय जो आप जैसे चीजों को सोचते हैं वो टीवी की बजाय आज सोशल मीडिया पर तो ये आएंगे। आप कर रहे हैं इंटेक्चुअल लॉबी जो देख रही है, हम कह सकते हैं जो इंटेक्चुअल लॉबी है उसके पर असर पड़ता है, एजुकेटेड लोगों पर असर पड़ता है। कुछ बहुत परसेंटेज ऐसी पब्लिक है जो कुछ भी नहीं देख पाती, उनके पास कुछ भी नहीं होता है क्या, फिर इनका प्रचार ही इतना ज्यादा है उसी बात के लेकर जोर पड़ता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये बात कह ये सकते हैं क्योंकि इनका बूथ लेवल तक पूरा एक तंत्र है काम इस बारी करने। इस बारी इस बारी क्या होना है, हम पिछली बात को ना करते हुए पर सीधी सीधी अभी ये जो 2 महीने की इलेक्शन रखी है इसी पर आ जाते हैं, इस इलेक्शन पर ही आ जाओ। पीछे छोटू पीछे तो बहुत कुछ आज बोलना शुरू करने का, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, नोटबंदी भी आ जाएगी बीच में, GST भी बीच में आ जाएगी, बीच में बहुत कुछ आ जाएगा, पता नहीं क्या कुछ बीच में आ जाएगा, पर उन बातों को पब्लिक सुन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वो चीरफाड़ सब जनता ने देख लिया किसको कितना बेनिफिट हुआ। और अब एंड में अपन इसी बात के ऊपर ही आ जाते हैं कि आज पब्लिक फिर उसी चीज को देख रही है कि ये फिर कह रहे हैं मोदी की गारंटी, ये गारंटी देना वाला मोदी क्या है, वही है 2014 में जिन्होंने नहीं, वही है ना, मेरे पंद्रह ख्याल ये पंद्रह लाख रुपए देने की वही है बात ना, की। तो पब्लिक कहेगी यार वही तो है यार, देख के था वही गारंटी है। अच्छा, गारंटी बुद्धि गारंटी, हम लोग मजाक कर रहे हैं। कल परसों मैं गया वहां पर, एक काफी लोग अनपढ़ जो बेचारे पट्टे पे काम कर रहे थे, डॉलर वो को बोले कमजोर कर रहे ना, थे। ना जी मतलब पहले मोदी गारंटी था, वो भी मजाक कर रहे अनपढ़ लोग भी इस बात का भी। आपने कुछ शब्द इसके चेंज करना था, बाई चांस गलती मोदी साहब से इसकी ये होगी और वो भी पीछे लग गई, जितना चौकीदार का बहुत सारे चौकीदार बन जाते हैं, सारे देश को मेरी क्या है वो, सारा देश मेरा परिवार है, वो भी सारा ने लिखना शुरू कर दिया। अब ये गारंटी भी यार इतना लिखने लगे जो सोच ले कुछ समझा दो, अब मोदी गारंटी दे कि ना लिखो कम से कम जितना ले आना है, इसके बदले लोग मजाक करते नहीं, हैं। उस पर तो अभी ये भी कहने लगे कि जो जुमला था वो गारंटी के रूप में तब्दील कर दिया गया नहीं, है। गारंटी के रूप में फिर उसको यूं कह दो बीजेपी की गारंटी तो वर्ड यूज कर लो, कम से कम सौरभ मोदी की गारंटी ना वर्ड यूज करते, तो मजाक कर रहे हैं। सदा जी मोदी की गारंटी की बात हो और इलेक्ट्रो बॉन्ड का मुद्दा पर बातचीत ना हो तो उस बात पर मजा नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड को लेकर इलेक्ट्रिक एक बोर्ड वाली बात आप कह रहे हैं ना, हाँ ये तो कई चीजें तो कही जाती है स्टेज पर, उस पर लोग नाना होया नहीं होगा, ये ऑन द रिकॉर्ड होया है, रिकॉर्ड के अंदर है, ये कहता रिकॉर्ड के अंदर, ये घोटाला रिकॉर्ड के अंदर है। पहले ये इलेक्ट्रिक बोर्ड बने वो घोटाला था, फिर ये प्रूव हो गया, इन्हें सोचे थे कि प्रूव नहीं होना, वो जुडिशरी की कहीं भगवान ने सुन ली इस देश की, ये ऋषि मुनिया का देश है, इसकी सुन ली कहीं किसी तरीके से सुन ली, चीजें जज सामने आ गई हो। जज साहब के भगवान आ गया कहीं, वो आ गई। और आप एक बात सुनो, मान के चलो जो कंपनियां घाटे में थी उन्होंने भी करोड़ों रुपए के वो दे दिए, छाता के चंदे चंदे दे दिए। और एक सबसे बड़ी बात है, पब्लिक तो सोचती है अभी 900 या कितने 100 करोड़ का चंदा होगा ये, और एक एक कंपनी ने मान के चलो 40 करोड़ दे दिया, आप 40 करोड़ तो गिन लिया, चलो यार 40 करोड़ है, हालांकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पर उसके में जो उसने वो काम किया ना वो पब्लिक के हित का नहीं, वो पब्लिक को मारा है उस वो पैसा तो कमाएगी उन लोगों ने, किस तरीके से वो डुप्लीकेट चीज बनाई फिर। और कानून के अगेंस्ट की है, उनके ऊपर सरकार का एक चेकिंग होनी चाहिए थी, उसके ऊपर वो आंख भी चलेंगे, सीबीआई ईडी तो वहां खत्म हो जाएगी। आज सिब्बल पर अपने बड़ा ये था, अपने है ये वकील है, अभी बेचारा एक दिन बड़ा परेशान हो गया, एक दिन इंटरव्यू उसकी चल रही थी सोशल मीडिया पर कि आज हमारे ईडी को विजिलेंस को सबको उन लोगों के पास तो यार कम से कम जाना चाहिए एक बार, क्यों नहीं जा रहा, इससे बड़ा क्या फ्रॉड होगा, कहते हम तो जून के बाद देंगे, क्यों भाई जून के बाद तेरी बुआ भैया ही है, तेरी बुआ का रिश्ता हो लेगा उसके बाद में तेरा, ये तू जून के बाद देगा, लोगों को दिखता नहीं है जून के बाद तेरी इलेक्शन हो जाएगी, इसी में ठोके नहीं ठोके उसने। बिल्कुल, इसमें बीफ कंपनियों का वो होता है, इसी में नकली दवाइयों को लेकर के खेल होता है। देखो इतनी तो हमारे को नॉलेज नहीं, नकली तो खैर अपने देश के अंदर चलो जो कुछ भी है गया है, इतना जरूर है कि आज कोई कंपनी घाटे में उसका बॉन्ड दे दिया, उसने क्यों दिया, और जो इतना ही रिश्वतखोरी सिस्टम होती है वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेगा,
और जो करे भी है दवाइयां ग्रेड देखो कहां से कहां पहुंचे हैं। 1000 रुपए वाली दवाई साली देती 300 रुपए कर दी, प्रूफ है लोगों ने दिए हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं तो सारी चीज। अगर वो गलत बोलते हैं सोशल मीडिया वाले जो चीज बोलते हैं तो करो डाउन के अंदर टोको उनको, जिसका कन्हैया ने अगर गलत करा है तो करो अंदर इतने दिन वो लग रहा है स्टेज पर बोलना, करो उसको अंदर क्यों नहीं करते, वो तो कह रहा है मेरे को अंदर करो। फोन पर कहने के लोगों से बात करते हैं, उन स्टेटों की हम पोजीशन पूछते हैं कि क्या पोजीशन है, वो कहते हैं जी इस बारी तो कम से कम हम आंख खोल कर वोट देंगे और आंख खोल कर हम सरकार ले आएंगे जो सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम से चले। इतनी औखे तरीके से तो जद्दोजहद के अंदर आंदोलन के थ्रू हमारे को आजादी मिली थी, हम आज फिर उसी फार्मूले डिक्टेटरशिप के अंदर दबके बैठ जाए, वाई क्यों क्यों भाई। बिल्कुल जी, यानी कि दोबारा से हमारे को सरकार चाहिए जो डेमोक्रेटिक, हमारे को वो प्रधानमंत्री चाहिए जो डेमोक्रेटिक, संविधान को बदलने की बात करते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम को इतने ओके जद्दोजहद के बाद पर आजादी मिली है। बिल्कुल, जिसे संविधान कल बनाया उसका जन्मदिन था, जन्मदिन मनाने के लिए तो चले जाते हैं, ऐसे बनाया संविधान को तो मान लो। सरदार जी अंतिम सवाल मेरा भ्रष्टाचार नेताओं को लेकर के है कि पहले कहते थे कि हम भ्रष्टाचारों पर वार करेंगे, अब भी कहते हैं मोदी जी कई भाषण में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं, हम नेताओं को अंदर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं हम जो भ्रष्टाचार का आरोप होता है वो बीजेपी में आ जाता है, वो साफ हो जाता है। नहीं फिर मोदी जी गलत क्या कह रहे, ठीक तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या बताओ। एक भ्रष्टाचार लोग हैं जिन्हें भी उनको ले आने के बाद वॉशिंग मशीन का नाम रखा है जो साफ करके अपने पास ले आते हैं, साफ कर देते हैं और इससे अच्छा कितना इससे अच्छा काम क्या होगा, अगले को ईमानदार बना दिया, एक ईमानदारी पार्टी के अंदर ईमानदार एक इंसान बना दिया वो, और इससे अच्छा क्या होगा, असाद ने उसको एमपी की टिकट दी थी और इससे अच्छा क्या काम करेगा वो, दोबारा से अच्छा तो कर रहे, मड़ा क्या है, बताओ क्या मड़ा, दोबारा से फिर वही भ्रष्टाचार करेगा, फिर भागेगा, फिर उसको उसमें शामिल कर लेंगे। भ्रष्टाचार नहीं फिर वो करेगा ना कर देगा जल्दी जल्दी, क्योंकि काम करने वाले सिर्फ देश के अंदर 2 या 3 ही आदमी है, काम तो फिर उन्होंने करना ही नहीं, अल्ला कुछ नहीं बन रहा, जिस पिछले कुछ नहीं मिले बचे सारे जने मंत्री छत्री जितने ना वो सारा कुछ नहीं खाली बैठे है, बिल्कुल बचरे मक्खियां मारे उन्होंने, तो माँ बाप बच्चे भी गए डैडी तो मंत्री बना तो कर ले, वो दो तीन है यानी कि वो अपने हरियाणा में कह रहे कि कुण में बैठ कर हुआ है, हाँ, तो बैठ कर हुआ है। पावर तो बड़ा तो यार बहुत, देखो बात सुना, आप कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, हम पब्लिक तौर पे बोल रहे हैं, पब्लिक एक एक्सपीरियंस लिया गया है और अच्छे सिस्टम से निकल के रिटायर हुए थे और उसको विचार रहे हैं देश हित में, सिर्फ मैं ना सच्ची बता रहा हूँ, इस देश के पब्लिक के जनता के ऊपर उनकी गरीबी को देखते हुए 5 किलो अनाज खाने वाले को, और मेरे को तरस आता है कि आज देश के अंदर कोई भी धंधा रोजगार नहीं है, इतनी महंगाई होगी, किसान बेचारे रो रहे हैं, वो किसाना की साथ एक और बड़ी चूड़ी लगी थी पीछे, ये इन्होंने देखा है नहीं है, बचने भोले वो मानते नहीं है, 50 किलो के कट्टे को 45 किलो का कर दिया, 5 किलो खा गए, ये जैसे पार्ले जी बिस्कुट दे तो 5 खा गया, लेकिन तो 5 किलो का मतलब परसेंटेज कितनी होगी वो, देखो कितनी परसेंटेज होगी वो, इस तरीके से रगड़ा लग गया ना, अच्छा रगड़ा लग गया, अच्छा ये 5 किलो होने के लिए इतना रगड़ा लग रहा है ना, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, जब पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो उसका किराया महंगा हो रहा है, बसों का ट्रकों का किराया महंगा हो रहा है, हर चीज को महंगी मिलने लग रही है, जो 5 किलो वाला ले रहे हैं ना बेचारा ये, तो उसको हर चीज उसको महंगी मिलने लग रही है, 5 किलो गया उसके तो बेचारे के 20 किलो भी में भी काम नहीं चल सकता, इतना उसका ले दिया इस साथ देखे और वोट के कारण, ओनली फॉर वोट वोट के लिए ये बहुत अच्छी बड़ी रिश्व बताइए। बिल्कुल धन्यवाद सरदार जी, तो सरदार जी ने बड़े यानी के खूबसूरत तरीके से बता दिया देश में क्या कुछ माहौल है, कैसे देश अब तक नरेंद्र मोदी बात बीच में रखते हुए एक सेकंड, देशवासियों सभी देशवासियों 140 करोड़ कहते हैं, आंख खोल के किसी के दबाव में ना आते हुए
आंख खोल के वोट दे देना बस, डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो हमारे को अधिकार मिले वोट जरूर देना, वोट की परसेंटेज यदि आप 90% तक पहुंचा दो, ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पकड़ पकड़ के वोट दो और किसी के बहकावे ना मरे, मन से वोट दो, अपने मन से वोट दो, आंख खोल के वोट देना, किसी के दबाव के अंदर वोट में देना, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। धन्यवाद जी। तो आप भी अपने राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप कितने प्रतिशत वोट करवाने वाले हैं, गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो। तो सरदार जी की ये बात तो आप जरूर माने। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम नजर हरियाणा में। थैंक यू। आप मुझे दे इजाजत। जिंदाबाद। थैंक यू।